जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, आज भिडियो आज आम जाना 2024 मसीहा अक्टोबर मसर मेष राशि व्यक्तिशेष मानिक राशिफल विषय आपणकर मसटी किपर कटिबो आपणको शिक्षा क्षेत्र पारिवारिक जीवन आर्थिक जीवन एवं आपणको प्रेम जीवन वैवाहिक जीवन किपर फल प्रदान करिबो एही समस्त विषय भिडियो माध्यम जानिबा। तो फ्रेंड्स, यह मासिक राशिफल ग्रह स्थिति एवं चलन को नहीं आधारित। ग्रह मानकर स्थिति एवं चलन आम जीवन में बहुत प्रकार प्रभाव पकाई थाए, जहाँफल आम जीवन केबे सुख आसी थाए तो केबे दुख मध्य माड़ी आसी थाए। से फ्रेंड्स, ग्रह स्थिति आ चलन को नहीं आज आम जाना 2024 मसीहा अक्टोबर मसर मेष राशि व्यक्तिशेष मानी मासिक राशिफल किपर फल प्रदान कर एवं कौन करेंगे अशुभ ग्रह मान अशुभ फल को खंडन करने प्रतिकारक जहाँ भिडियो शेष पारे। से फ्रेंड्स, भिडियो को शेष पर्यंत बिना स्किप कर निश्चय देखो एवं भिडियो जदि पसंद आसे निश्चित भाव में गोटे लाइक करूँ। जदि नुआक आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेज एवं ही सब्सक्राइब करनी। तेज चलत तो फ्रेंड्स, राशिफल आरंभ करवा। तो मेष राशि व्यक्तिशेष मानी जदि आम देखा यही अक्टोबर मसटी आपण मिश्रित फलाफल आने को जाऊँगी। प्रथम देखा आपण क्यारिययर दृष्टि क्यारिययर दृष्टिकोण मस मध्यम भाव में फलप्रद हो। दशम घर प्रभु शनि आपण को एकादश घरे रिट्रोगेट अवस्था रहिबे, जो आपण को निज चाकरी रे बहुत परिश्रम करने को पड़ब एवं आपण पाखरे मध्य चाप रपण वरिष्ठ माने आपण सहित किसी प्रसंग रे जुक्ति तर्क करते किंतु से माने आपण को जनइबे ना जे से माने आपण को काम को पसंद करते, तेणु आपण को काम को भल करने को चेष्टा करतु। मंगल 20 अक्टोबर पर्यंत तृतीय घरे रहिबे, जो आपण आपण को कठिन परिश्रम एवं दक्षता सहित कठिन आह्वान को दूर करिपारे सफल हेबे एवं आपण को सहकर्मी एवं विरोधी को परास्त करिपारे सफल हेबे एवं एही समय रे आपण को कार्य रे अधिक शक्ति प्रदर्शन करिपारे सक्षम मध्ये हेबे। किंतु आपणकर विरोधी माने आपण को असुविधा रे पकाइबा को चेष्टा करिबे एवं मासर द्वितीय अध्याय रे एही सब समस्या गुड़िक ह्रास पाइब। आपण आपण प्रतिपक्ष चिन्ह निजको भल विजेता भाव में परिचित करिबे एवं कार्य क्षेत्र में आपण स्थिति को सुदृढ़ हेबो। मासर शेष सप्ताह आपण बहुत भल समय मध्य आपण आपण पोस्ट रे वृद्धि हेबार खबर पाई। व्यवसाय लोकों पर मासर आरंभ बहुत भल अच्छी। सप्तम घर प्रभु शुक्र महाराज निज सप्तम घरे रही आपण को आशा को डेणा देबे, अर्थात आपण जहाँ चेष्टा करिबे सेथिरे आपण सफलता हासिल करिबे। तथापि षष्ठ गृह रे ग्रह मानंकर संग्रह एवं सेमानक उपरे मंगल एवं बृहस्पति दृष्टि रो व्यवसाय खर्च एवं पूंजी विनियोग वृद्धि पाईपे, किंतु यह आपण को विदेशी व्यवसाय लाभ मध्य देपे। अक्टोबर 13 रु शुक्र सप्तम घर अष्टम घर को जिबे, तेबे आपण को टिके सतर्क रहिबा को पड़िबो एवं गुप्त रे कोनोसी कार्य करिबा को एड़ाइबा को पड़िबो जहाँ आईनगत भाव में भूल अटे, कारण यह आपण व्यवसाय उपरे प्रभाव पकाईपे। तेबे अक्टोबर 20 रे मंगल चतुर्थ घर प्रवेश करिबा हेतु आपणकर व्यवसाय साथी सहित कलह होइपे, तेणु टिके सतर्क रुहंतु। तथापि मासर शेष भाग आपण सरकारी क्षेत्र रु मध्य लाभ पाई एवं व्यवसाय रे किछ नूतन संपर्क स्थापना करी लाभवान हेबे। सेहिपरि जदि आमे आपण आर्थिक स्थिति को देखिबा, एहि मासटी आपण उत्थान रे परिपूर्ण हेबाकु जाउछि। मासक मध्य शनि महाराज रिट्रोग्रेड अवस्था रे एकादश घरे रहिबे जहाँ आपणकर आर्थिक अवस्था पई अत्यंत अनुकूल अटे एवं आपण आयर नुआ अग्रगति एवं दिन को दिन वृद्धि पाइब, जो आपणकर आर्थिक अवस्था भल रिनक दिन आपण आय मध्य भल हेबो, तेणु अर्थर अभाव रहिबना। किंतु द्वादश घरे राहुंक उपस्थिति एवं षष्ठ घरे सूर्य बुध एवं केतुंक उपस्थिति हेतु आपणकर अजथा खर्च होबार संभावना रही। अदरकारी जिनस अधिक खर्च हेबो जहाँ अर्थ अपचय करिबे एवं सेथिपई आपण को चिंता करबा को पड़िपारे। एहा व्यतीत कहार असुस्थता को भल करबा पई आपण को टंका खर्च करबा को पड़िपारे, किंतु अक्टोबर 9 रु बृहस्पति अवस्था मध्य आपण को पई अनुकूल हेबो एवं आपण
आपणको धनवृद्धि करिबे जदि एही उपाय रे देखा जाए तबे एही मास अत्यधिक खर्च पई जणा सुणा किंतु आपणकर आय मध्य स्थिर रहिबो तेनु आपण आपणकर टंका को अति सटीक भाव रे परिचालन करबा को ध्यान देबा उचित जहा द्वारा कोनसी प्रकारर प्रमुख समस्या आपणको असुविधा रे पकाइबो नाही जदि आपण कोनसी संपत्ति किणबा को चाहुछंती तबे मासर प्रथम अध्याय एहा पई अनुकूल अटे शेष भाग रे कोनसी संपत्ति को स्पर्श करंतु नाही एहा चलनीयशील किंबा अस्थावर संपत्ति हेउ कारण एहा हेतु खेती हेबार संभावना रहिछि एही मास रे आपनको व्यवसाय रे मध्य टंका विनिजक करबा को पड़ी पारे सेहि परि जदि आमे आपनको प्रेम संपर्क विषय रे कहिबा मास आरंभ रे प्रेम संपर्क पई चैलेंज होइ पारे आपन कटु कथा कहिबा थारु दूरी रहि पाउचित एवं आपनको प्रिय व्यक्तिको किछि कुह नाही जहा सेमानको खराब करि पारे एही समय मध्य रे सेमानको व्यक्तिगत जीवन रे किछि समस्या रो सामना करबा को पड़ी पारे एपरी परिस्थिति रे सेमानको जणे भल बंधु परि समर्थन करंतो एवं प्रत्येक दुख एवं सुख रे सेमानको सहित ठिया हेबा पई चेष्टा करंतो जहा द्वारा सेमाने मध्य आपनको प्रेम उपरे विश्वास करिवे मासर द्वितीय अध्याय रे जदि आपण आपनको संपर्क को परिचालन करिवार सक्षम अटंती तेबे आपण आपनको प्रियंक सहित भल संपर्क रो लाभ पाइबे एवं आपनको प्रेम विवाह निश्चित होई पारिबो एहा घरे खुशी आनी देव जदि आमे वैवाहिक व्यक्ति विषय कहिबा तेबे मास आरंभ रे आपनको दाम्पत्य जीवन रे मधुरता आनिबो परस्पर मध्यरे प्रेम एवं रोमांटिक हेबार संभावना रहिबो जहा आपनको संपर्क को बहुत हल्का एवं भल रखिबो परस्पर मध्यरे प्रेम वृद्धि पाइबो आपनको परिवार प्रति दायित्व तुलाइबे एवं परस्पर को सम्मान देबे तथापि एही समय मध्यरे आपण विवाहिता विवाह प्रति आकर्षित होई परंती देखिबा को कले आपण सतर्क रहंतु एवं कोनसी बड़ निष्पत्ति नेबा को रहंतु एहा सहित आपण आपणको संपर्क रे परिपूर्णकता हासिल करबा को सक्षम मध्य हेबे सेहिपरि पारिवारिक जीवन दृष्टि रो एही मास परिवार पई भल हेबार संभावना रहिछि मासर प्रथम अध्याय रे महिला माने एवं वैशिष्ट्य माने परिवार उपरे प्राधान्य विस्तार करिवे तांको कहिबा अनुसार निष्पत्ति बदलिबो किंतु घरे परिवेश भल रहिबो घरे एक जन्म उत्सव होई पारे किंबा कहार विवाह इत्यादि पई शुभ मांगलिक कार्य होई पारे जहा घरे बहुत भल परिवेश सृष्टि करिबो अक्टोबर 20 रु मंगल आपनको चतुर्थ घरे कर्कट राशि रे प्रवेश करिवे एही अवधि मध्य रे पारिवारिक जीवन रे चाप बढ़ी पारे एवं स्वास्थ्य समस्या आपनको मांको असुविधा रे पकाई पारे तेणु तांको स्वास्थ्य समस्या प्रति सावधान रहंतु कोनसी विवाद को बढ़ेबा को रोकंतु कारण एहा एक बड़ रूप नै पारे एवं परिवारर शांति विघ्न करि पारे द्वितीय घरर प्रभु शुक्र महाराज 13 तारीख आपनको अष्टम घरे प्रवेश करिवे एही समय मध्यरे परिवारर कोनसी संपत्ति को छुइबा उचित नुहे नचेत एहा क्षति होई पारे सेतिपे आपण विशेष सावधान रहंतु सेहिपरि स्वास्थ्य दृष्टिकोण रो एही मासटी टिके दुर्बल रहिबो आपनको राशिर प्रभु मंगल तृतीय घरे रहिबे जहा आपनको प्रत्येक चैलेंज विरुद्धरे सुदृढ़ करिवे एवं आपण आपनको समस्त समस्यार मुकाबिला करिवार सक्षम हेबे किंतु अक्टोबर 20 परे आपनको रक्त एवं छाती सहित जड़ित समस्या देखा देई पारे एहा द्वारा आपनको स्वास्थ्य समस्या रे पीड़ित होई परंती तेणु आपण बहुत सतर्क हेबा उचित पेट एवं बड़ अंतनली संबंधी समस्या प्रति विशेष सतर्क रहंतु एवं जल द्वारा हेउथिबा रोग प्रति मध्य सतर्क रहंतु थंडा जनित रोग आपनको हेबार देखा देउछि मासर शेषरे स्वास्थ्य दृष्टिरो आपनको पई किछि मात्रा रे दुर्बल हेबो आपनको रोग प्रतिरोधक शक्ति मध्य दुर्बल होई पारे तेणु एहि समय मध्यरे अति सतर्क रहंतु निज प्रति असावधानता अवलम्बन करंतु नाही एवं जदि आपनकर कोनसी असुविधा अछि तुरंत डाक्टरक सहित जगाजग करंतु केवल सेतेबेले आपन समस्यारु रक्षा पाई पारिबे एवं आपनको स्वास्थ्यरे उन्नति आनिबे तो फ्रेंड्स एहा त थिला मासिक राशिफल त एबे आसंतु जानिबा कोन करिबे प्रतिकारक तो प्रत्येक दिन आपन चेष्टा करंतु प्रभु हनुमानकर हनुमान चालीसा पाठ करंतु एहा आपनको पई अति उत्तम रहिबो।
ଏହାସହ ମଙ୍ଗଳଦେବଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓଂ କ୍ରାଂ କ୍ରିଂ କ୍ରୋଂ ସହ ଭମାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓଂ ସ୍ରାଂ ଶ୍ରୀଂ ସ୍ରୋଂ ସହ ଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭ ରହିଛି ତା ନିଶ୍ଚୟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ଏବଂ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହିପରି ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।